सब्सक्राइब करें मेवात टाइम। हम लोग लेकर परवाल छत्तीसगढ़ में भैया किसी तरह से पहुंचा दो भैया। हम लोग हाथ पर जोड़ते हैं भैया लोग। मैं हूं राजुद्दीन जंग मेवात हरियाणा से। मैं जहां खड़ा हूं ये मांडीखेड़ा का क्षेत्र है और हरनौल यहां एक शेल्टर हाउस का निर्माणाधीन है जो बन रहा है। यहां पर छत्तीसगढ़ और बिहार मध्य प्रदेश के 28 और छत्तीसगढ़ के 7 हैं और मध्य प्रदेश के 7 8 28 और 8 36 लोग यहाँ फंसे हुए हैं। आपको मैं सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ और ये गुहार लगा रहे हैं, रो रहे हैं, बिलक रहे हैं और इनकी आवाज़ सुनने वाला कोई दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। आज हमारी टीम इनके पास पहुंची है और हम इनको आश्वासन दे रहे हैं, आश्वासन दिया है कि इनके जाने का बंदोबस्त जिला प्रशासन नुहू मेवात के साथ मिलकर कल सुबह से हम करेंगे। डीसी के पास जाएंगे, इनकी तरफ से एक अर्जी देंगे और इन्होंने आज जो यहाँ का पुलिस स्टेशन है नगीना का वहाँ अपनी अर्जी दी है। 36 लोगों ने, इनके नाम भी उसमें हैं, लेकिन किस कदर ये 2 महीने से यहाँ फंसे हुए हैं, किस तरह इनके परिवार खाने की समस्या से, और पीने का पानी तो यहाँ है लेकिन ये बता रहे हैं कि खाने की भी इनको समस्या हो रही है, उसका समाधान भी हम करेंगे। तो अब इनके सामने जो जाने का ये चाहते हैं, बता रहे हैं कि भाई हम घर जाना चाहते हैं, पता नहीं लॉकडाउन कब तक रहे। तो इस जद्दोजहद के बीच हम यहाँ पहुँचे, इनकी पूरी बात सुनी और इन्होंने बारी बारी बताया कि हम बहुत परेशान हैं। इनकी परेशानी को हमने नोट कर लिया है, कल सुबह डीसी से मुलाकात होगी और भगवान ने चाहा तो ये जल्दी ही अपने घर होंगे। फिर तो राम ढहरिया। तो क्या परेशानी आपको यहाँ पे हो रही है? भाई साहब यहाँ परेशानी है तो कंपनी से कुछ आधा खर्चा मिल रहा है, आधा खर्चा नहीं मिल रहा है और काम से तो यहाँ कर नहीं पा रहे हैं। कम से कम 1.5-2 महीना हो गया काम नहीं कर रहे हैं, बंद पड़ा हुआ है। तो कुछ जाने का कोई प्लान कुछ बना है? जाने का तो कोई भाई प्लान बना नहीं हुआ है, शासन से गुहार लगा रहे हैं और शासन से गुहार लगाते हुए हम विनीत कर रहे हैं कि हमें किसी तरह से छत्तीसगढ़ पहुंचा दो। आप कुछ उम्मीद है शासन प्रशासन से? उम्मीद तो भैया रख रहे हैं, अगर कोई भी चाहे हरियाणा का हो चाहे छत्तीसगढ़ का हो, कोई भी हमें किसी तरह से छत्तीसगढ़ पहुंचा दे। हम जितना भी हमारा नेता है उन लोगों से, मोदी जी से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें घर वापसी भेज दे, किसी तरह से अपने बाल बच्चे परिवार को हम मिल लें, ये हमारा उम्मीद है भाई साहब। नंद किशोर नाम आपका? हाँ। तो यहाँ क्या काम कर रहे हो आप? एक फैक्ट्री में काम कर रहे थे। हाँ। मध्य प्रदेश से हो? हाँ। कितने लोग हैं? अकेले हैं। और 7 जने हैं दूसरी जगह की। अच्छा, हमें भाई साहब अकेले ललितपुर के। अच्छा, ललितपुर मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। हाँ। तो आप जाने का कोई यहाँ से बन रहा कोई जुगाड़ बनाऊनी है? जाने हैं जुगाड़ बनवाऊनी है आपको? अच्छा, हमें? हाँ, हम जाने का जुगाड़ बनवाएं। ओको बनवाए भाई साहब। चलो हम कोशिश करते हैं। तो 2 महीने से कैसे गुजारा चल रहा है? अब वैसे चल रहा है काकू के कमों कमों पहुँचा दी पैसे, कमों कमों नहीं पहुँचा उससे पहले खातरत पने आराम से कोई 2 टाइम मिल रहा, कोई 1 टाइम मिल रहा। मेवात की तमाम अहम खबरों के लिए मेवात टाइम्स टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें।